गीता जयंती पर इसरो का मंडप, आइए जानते हैं क्या दिखाया गया है और क्या बताया गया है। नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गुंजन चौरसिया है, मैं NIT कुरुक्षेत्र की स्टूडेंट हूँ, वहाँ से मैं MTech कर रही हूँ रिसर्च। अच्छा, आप मुझे इस मॉडल के बारे में थोड़ा बताइए। जी, ये एक मंगलयान है, मार्स ऑर्बिटल मिशन, जो कि हम लोगों ने मार्स पे भेजा था। एक सैटेलाइट है जो कि मार्स की ऑर्बिट में घूम रही है अभी भी, और हमने इसको 2013 में भेजा था। और इसमें जैसे कि स्केलिंग लिखी हुई है, इस मॉडल के 5 गुना, 1:5 मीन्स इसका 5 गुना बड़ी असली में इसका मॉडल था। जैसे कि इसमें दिखाया गया, ये एंटीनाज हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज, थ्रस्टर्स लगे हुए हैं जो कि डायरेक्शन को चेंज करते हैं, फ्यूल टैंक है, पेलोड्स है, पेलोड्स मतलब कि जो भी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हम लोग उसमें भेज रहे हैं वो सब उसमें इंस्टॉल्ड है, सेंसर्स इंस्टॉल है। ये देखिए, फोटोवोल्टेक सेल्स भी है जो कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और बैटरीज में स्टोर किए हुए रखे हैं। ये एक्चुअली उसी मॉडल का बिल्कुल प्रतिरूप है जो हमने भेजा था। हाँ, ये मॉडल है उसका, जो असली में सैटेलाइट गई थी उसका मॉडल है ये, उस सैटेलाइट का मॉडल है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मॉडल के बारे में हमें जानकारी दीजिए। ये एक रिकवरी कैप्सूल है, ये हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट किया है रिसेंटली। इससे क्या होगा कि हम लोग इंडिया से अभी तक कोई भी स्पेस में गया नहीं है इंडिया के थ्रू, तो हम लोग ने ये एक्सपेरिमेंट किया है जो कि गगनयान अभी जाने वाला है। 2022 में हम इसे भेजेंगे। इसमें क्या होगा कि हम लोग कुछ लोगों को भेजेंगे, और जो कि ये रिटर्न होके जो वापस आएगा वो यही कैप्सूल है जो कि रिटर्न होके वापस आता है स्पेस से। जी धन्यवाद। ये 2022 का प्रोजेक्ट है। हाँ, ये 2022 अभी इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है, सक्सेसफुल रहा है वो एक्सपेरिमेंट। अब हम 2022 में इसको लॉन्च करेंगे जो ये जाएगा। इसकी लैंडिंग किस तरह से होगी? इसकी लैंडिंग का प्रोसेस आप यहाँ पोस्टर में वैसे समझ सकते हैं इजीली। इसमें हम लोग इसको वैसे लैंड कराएंगे, इसमें जैसे कि रॉकेट्स के थ्रू हम लोग जब सैटेलाइट भेज रहे हैं तो रॉकेट के पार्ट्स अलग अलग होते जाएंगे, और जो लास्ट में सैटेलाइट और ये पोर्शन बचता है तो इसमें पैराशूट्स के थ्रू हम लोग इसको लैंड करवाते हैं, और ये जाके समुद्र में गिरता है, और समुद्र में हम लोग की नेवी की टीम्स होती हैं, वो हमारे इसके पार्ट्स खुल जाएंगे और फिर वो लोग हमारे साइंटिस्ट को वहाँ से बाहर निकालेंगे इसके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? हाँ, माय नेम इज़ डी पवन कुमार एंड आई एम फ्रॉम तेलंगाना, एंड प्रेजेंटली आई एम परस्यूइंग माय MTech इन NIT कुरुक्षेत्र। NIT कुरुक्षेत्र से हैं आप, कृपया इस मॉडल के बारे में मुझे बताइए। सर, ये सब सैटेलाइट्स है हमारा, और इसमें सोलर पैनल्स वगैरह लगा हुआ है। इसका नाम एस्ट्रोसैट है। एस्ट्रोसैट मतलब एस्ट्रोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ स्टार्स। इसमें हम स्टार्स के बारे में वी कैन स्टडी अबाउट स्टार्स, वेयर दे आर लोकेटेड, हाउ मच द डिस्टेंस दे आर फिक्स्ड। इट वर्क्स एज टेलीस्कोप्स इन द स्काई। इट सर्च द स्टार्स वेयर दे आर लोकेटेड एंड हाउ मच द डिस्टेंस दे आर लोकेटेड इन द स्पेस। क्या आप थोड़ा बहुत हिंदी में बता सकते हैं इसको मेरे हिंदी के दर्शकों के लिए? ठीक है, बताता हूँ। दिस इज द एस्ट्रो, ये एस्ट्रोसैट है। एस्ट्रोसैट मतलब एस्ट्रोलॉजी, मतलब स्टार्स के बारे में पढ़ता है। ठीक है, इसमें सोलर पैनल्स वगैरह लगा हुआ है। सोलर पैनल्स क्योंकि इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और सन के बारे में, सूरज के बारे में, और एस्ट्रोलॉजी मतलब ये दूर चीज़ों को हम देख सकते हैं, और वो किधर फिक्स हुआ उसको हम डिटेक्ट करता है। सेंसर वगैरह लगा हुआ है इसमें, पेलोड्स लगा हुआ है, और कैमरा भी लगा हुआ है, DSLR मतलब हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगा हुआ है। इसलिए वी कैन हम दूर चीज़ों को हम देख सकते हैं, किधर फिक्स हुआ और किधर लोकेट हुआ और उसका डायरेक्शन किधर है, वी कैन। आप एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, पेलोड। पेलोड का अर्थ मुझे बताइए। पेलोड मतलब हम पेलोड्स लगा हुआ है, एक एक पेलोड में एक एक इंस्ट्रूमेंट्स लगा हुआ है, एक में सेंसर जैसे और कैमरा जैसे और इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा लगा हुआ है। धन्यवाद सर। इस मॉडल के बारे में? हाँ, ये मॉडल का नाम हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। ये हमारा ओशंस पर किधर फिशिंग वगैरह और साइक्लोन वगैरह किधर होता है ना, उसको डिटेक्ट करता है। सेंसर्स वगैरह लगा हुआ है, थ्रस्टर्स वगैरह लगा हुआ है,
ये फिशिंग के लिए और हमारा वोल्केनोस साइक्लोन किधर होगा उसको डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके हमको पिक्स वगैरह भेजता है। आपने इंस्टीट्यूट के बारे में, इंस्टीट्यूट से? मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र से हूँ। हमारा इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र। मैं एमटेक सेकंड ईयर पढ़ रहा हूँ, इधर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पढ़ रहा हूँ। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो मॉडल्स हैं आप लोग कहाँ से लेके आए? ये सब मॉडल्स हम डायरेक्टली हमारा डायरेक्टर से बेंगलुरु इसरो इसरो कंपनी से बात रिक्वेस्ट करके उससे हम इधर लाया हुआ है, क्योंकि ये बच्चों के लिए और स्कूल वालों के लिए मतलब थोड़ा स्किल्स कम्युनिकेशन सिखाने के लिए हमारा डायरेक्टर ये छोटा काम किया था। थैंक यू वेरी मच सर, और आपका प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा। मनोरंजन कुमार। मनोरंजन कुमार जी कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। किस इंस्टीट्यूट से आप हैं? मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र से हूँ, सेकेंड ईयर एमटेक। अच्छा सर, इस मॉडल छोटे से मॉडल के बारे में बताइएगा। जी ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसका काम होता है कि सिग्नल प्रोवाइड करना है, मतलब तो ये जीपीआरएस एज ए फोन टेलीफोन में यूज करते हैं ना, मोबाइल फोन, ये मल्टीपर्पज़ है। सर इसका नाम रिसोर्स सैटेलाइट है, इसका काम होता है सर कि स्पेस में सैटेलाइट तो स्पेस में घूमता है सर, इसमें इसका मतलब एटमोसफेयर की जानकारी देता है, मतलब ये मिनरल्स कहाँ हैं, गोल्ड सिल्वर एल्युमिनियम की मतलब डिटेक्ट करता है। उसके बाद फिर हम लोग मतलब धरती पर खुद मतलब जो भी काम करते हैं उसके बाद करते हैं सर। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र गोयल। सर कैसा आयोजन है गीता जयंती का? इस बार का आयोजन पहले से कुछ अच्छा है, सफाई पूरी है और रात के सांस्कृतिक प्रोग्राम बहुत बढ़िया हैं और पूरी तरह से मैनेज्ड हैं, और इस बार पहली बार 847 स्टॉल लगी हैं जो पहले से कम 200 ज़्यादा हैं। आप साइंस एग्जीबिशन में आए हैं, यहाँ का एक्सपीरियंस बताइए। यहाँ पे वैसे तो आम आदमी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, मगर जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उनकी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है और वो पूछ रहे हैं तो कुछ उनको भी जानकारी मिल रही है। As the rockets have to carry so many satellites and put them in precise orbit one by one, the scientists and engineers of ISRO had to work with a lot of care and precision so that they didn't collide with each other. Like the passengers have to seat themselves in a car, all the 104 satellites were accommodated in their respective seats in the PSLV.